में चिपक जाता है, इंजन ऑयल नहीं है, ऑयल इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। ये टीवीएस की बाइक है और इस बाइक में क्या फॉल्ट है, हम स्टार्ट करेंगे और जैसे ही क्लच दबाकर गियर को लगाएंगे तो क्लच क्या है, काम नहीं करता, यानी कि बाइक ऑटोमेटिक आगे भगते ही रहती है, चाहे क्लच कितना दबा दें, क्लच बिल्कुल ठीक है। तो हम दिखाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब हम गियर में डालते हैं। इसका क्या रीजन है वो आपको हम क्लच खोल कर दिखाते हैं। तो जैसे कि इसका क्लच प्लेट जो है बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म है और प्लस में इंजन ऑयल इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला, जिसकी वजह से बाइक जो है काफी ज्यादा झटका मार रही थी, क्लच काम नहीं कर रहा था, ये आपस में चिपक जाता है, इंजन ऑयल नहीं रहता है। तो क्लच प्लेट अभी बिल्कुल टूटी हुई है और इसके अंदर अभी नया इंजन ऑयल डालेंगे और क्लच प्लेट है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो क्लच प्लेट ये है बिल्कुल न्यू। जो है बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब हम इसको चला कर दिखाते हैं। बाइक बिल्कुल स्टार्ट है, इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से गियर डालेंगे, ठीक है, देखिए ये आगे नहीं बढ़ रही है, क्लच हो रहेगा तभी ये बढ़ेगा, क्लच से बिल्कुल कंट्रोल होने लगा।